वोट किसका? वोट जी मेरे नज़र से वैसे वोट पैना चाहिए जी आर्मी नू। अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो ही आनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सारा फिनिश हो जाना जी, सियासी निज़ाम सारा खत्म होना चाहिए। सियासी निज़ाम खत्म होएगा, नवाज शरीफ खत्म हो जाए, शहबाज शरीफ, जरदारी और खत्म हो जाए, सारे खत्म हो जाए, सिर्फ आर्मी की हुकूमत है ये रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि आर्मी जी ना आवाम के नाल आवाम का सही ख्याल ख्याल कर दी। मैं एवें नहीं कह रहा आर्मी, ये मैं तुम दो पॉइंट दसना। जनरल ज्यादा दौर मैं देखिए ए वन गुड फैंटास्टिक, मैं तुम दस नहीं सकता कि इन्नी अच्छा वो जिन्ना चिर रहा ना ज़िया साहब। लोग अज भी साड़ी उम्र के बंद पूछते तुम कह बिल्कुल ठीक थी। उस तो बाद मुशरफ आया, जिस तरह भी आया उन्हें, मैं तुम कहना कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल बेफिक्र थी, खाना पीना खुला, पैसा रुपया कपड़ा जुत्ती, अज तिखे खा रहे हर बंदा। सियासी निज़ाम नहीं होना चाहिए। अरे चचा, सारी दुनिया में कहते हैं जी जमहूरियत हो, लोग अपनी पसंद के लीडर लाए, हुक्मरान लाए। आप जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में जहाँ के लीडर ईमानदार अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, यहाँ के लीडर अपने मुल्क के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, अपना VIP प्रोटोकॉल के बारे में सोचते हैं। ये आवाम के लिए नहीं। देखें अब इंडिया का मोदी साहब जाता है अमेरिका में, हैं तो वो खद्दर की धोती और वो खद्दर का कुर्ता पहन के व्हाइट हाउस में जाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो बिल क्लिंटन की तरह का ब्लू कलर का सूट और टाई वगैरह उसके साथ वाली खरीद के पहन के वो शीशा देख रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल वैसी ही कि नहीं। ये देखें हम गरीब लोग हैं, हमारे हमें वो सूट करता है। मोदी से किसी ने कहा कि यार आप भी आप पहने के, उसने पता क्या कहा, मैं पागल हूँ, हमारी आवाम गरीब है, रोटी से बैठी है बाजार, तो मैं क्यों VIP, मैं तो खद्दर का पहन के अपने अपने इंडिया का कल्चर क्यों ना मैं अपने दिखाऊँ। ये इन्होंने भी ब्लू करके सलवार कमीज व्हाइट वेस्टकोट पहन के गया, कोई मसला नहीं। और बाहर के लोग के जो MN या वजीर होते हैं वो साइकिल पे, टैक्सी पे जाते हैं, बस पे जाते हैं, इधर के अंदाज़ा करें तो फिर ये होनी चाहिए। ये सियासतदान है, ये गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्मी की होनी चाहिए। मैं अपने ईमान से, अपने दिल से कह रहा हूँ तो भाई जी, आर्मी तो हमेशा ही हमारे साथ है, वो तो हर अच्छे नहीं, बुरे, हर अच्छे बुरे वक्त में सबसे पहले आर्मी हमारी मदद करती। वो करती नहीं, ये भी बागडोर उनको ना अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये सियासतदान बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। ये कोई MNA MP वज़ीर आला गवर्नर या वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। अच्छा चाचा, कौन से इलाके में रहते हैं आप? लाहौर में। लाहौर के कौन से इलाके में? ये नहीं, हम पैदाइशी जो है ना वो ये तकिया साधु है ना, नीला गुम्बद तकिया साधु, सुनहरी मस्जिद, हम वहाँ के रहने वाले हैं। वहीं पे रहते हैं अभी? अब नहीं, हम बाहर रहते हैं, मिश्री शाह में रहते हैं। अच्छा, नीला गुम्बद की तरफ और मिश्री शाह की तरफ? हाँ जी। हालात क्या है, कितने काम हुए हैं गलियों के, सड़कों के? भला है भाजी, आप पढ़ी लिखी हो क्या कामों के बारे में? मैं तो आप हैरान हूँ, ये कामों के बारे में क्यों पूछ रही है? देखें काम से, काम काम से नहीं बनता काम, काम बनता है कि ये मुझे पूछे कि आपके घरों में सुई गैस आते हैं, बिजली? यही तो पूछ रही हूँ, बिजली, गैस, पानी, बुनियादी। ये तो पहले नंबर पे जब गर्मियों में बत्ती नहीं होती, सर्दियों में सुई गैस नहीं होता। अगर ये आ भी जाए ना तो इनके बिल 10 गुना ज़्यादा आते हैं, 10 गुना ज़्यादा बिल आते हैं। तो ये हमें सड़कें पुलों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सरकारी स्कूल की, सरकारी यूनिवर्सिटी की, सरकारी कॉलेज की और सरकारी हॉस्पिटल की। हम ऐसे ऐसे, ये लाहौर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते, तीन तीन चीज़ें बदल के जाना पड़ती हैं। उनके अपने इलाके में हॉस्पिटल बनने चाहिए। और कई, मैं खुद, मेरा भी बच्चा, एक बच्ची छोटी है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी सी वो बड़ी हो तो मैं सरकारी स्कूल में भेजूँ, है क्योंकि नज़दीक मेरे स्कूल हैं लेकिन वो प्राइवेट है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे मेरी बेटी दो, एक ने MCOM की है, एक बेटी मेरी डॉक्टर है, लेकिन ये भी परवेज लाई का शुक्रिया जिन्होंने ये फीसें और किताबें उस वक्त माफ़ कर दी थी, नहीं तो उस वक्त भी ऐसा जो अगली क्लास में बच्चे, 7 बच्चे मेरे जाते ना अगली क्लास में, तो वो उसके लिए ना बस्ते और कापियाँ वो लेना, कोर्स लेना मेरे लिए मसला बन जाता था।
ठीक है नाज़रीन, ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस करने का भी भाई जी मशवरा दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लोगों का आपके सामने है।